हेलो फ्रेंड्स, आई एम मौसुमी। आज मैं आपके साथ मेरा सरोजिनी मार्केट शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी। आई होप सरोजिनी मार्केट के बारे में सभी को ही पता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको। सरोजिनी मार्केट एक बहुत बड़ा स्ट्रीट मार्केट है एंड ये दिल्ली में है एंड यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन भी है जो कि दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन में पड़ता है। यहाँ पे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑलमोस्ट सभी चीज़ पा सकते हैं। ये एक स्ट्रीट मार्केट है इसीलिए यहाँ पे बार्गेनिंग करना मस्ट है। यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते में अच्छे क्वालिटी का माल मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको देख के सामान खरीदना पड़ेगा। मैं सरोजिनी मार्केट से अपने लिए एंड मेरे घर के लिए कुछ सामान खरीदा है। इस वीडियो में मैं सरोजिनी मार्केट का एक छोटा सा टूर आपके साथ शेयर करूंगी, फिर मैं कौन कौन से सामान लेके आई हूँ उसका दिखाऊंगी। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को पूरा देखिए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वेलकम टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाजू में जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को आगे ले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं जा रही हूँ सरोजिनी मार्केट एंड अभी बज रहे हैं 4:30। तो मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ इसीलिए आपको शायद टाइम अलग दिख रहा होगा एंड दिस इज माय आउटफिट। तो सरोजिनी मार्केट एक बहुत बड़ा स्ट्रीट मार्केट है एंड ये दिल्ली में है एंड यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन भी है जो कि पिंक लाइन में पड़ता है। तो चलिए मेरे साथ। एंड दिस इज माय शू। दिस इज पिंक लाइन एंड एग्जिट है एक नंबर गेट से। दिस इज मेट्रो गेट नंबर 1 एंड ये देखिए इसके बगल में स्टार्ट होता है मार्केट। बहुत कुछ शॉपिंग कर ली मैंने। अभी जा रही हूँ मैं घर मेट्रो पकड़ के। तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:30। तो फ्रेंड्स, मैं घर आ गई और बहुत ही थक गई हूँ मैं। अभी बज रहा है 9:10।
यहाँ पे 9:15 दिखा रहा है और बहुत ही टायर्ड हो चुकी हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े से बैग में शॉपिंग की है। तो मैंने सरोजिनी मार्केट से कौन कौन प्रोडक्ट शॉपिंग किया है आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो पहले ये बैग, ये बड़े वाला बैग मैंने सरोजिनी मार्केट से शॉपिंग की है। दिस इज फर्स्ट आइटम एंड ये मुझे मिला है ओनली 60 रुपीज़ में। मैंने इसको बार्गेनिंग करके ख़रीदा है। ये है एक जूट के बैग, यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस है एंड क्वालिटी भी दाम के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे चेन दिया हुआ है, चेन की क्वालिटी भी दाम के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक बैग है। तो हैंडल भी काफी स्टडी है, बहुत ही ज्यादा सामान आ जाएगा इसमें, बहुत ही बड़े साइज का बैग है ये। तो नेक्स्ट आइटम है ये मेकअप स्पंज। यहाँ पे आपको 6 मेकअप स्पंज मिल जाएंगे। इसमें से 2 ब्यूटी ब्लेंडर है एंड 4 स्पंज है। क्वालिटी बहुत ही सॉफ्ट है। ये टोटल मुझे मिला है 50 रुपीज़ में। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। ये मेकअप स्पंज, ब्यूटी ब्लेंडर, एंड देन ये 3 नेल पॉलिश लेके आई हूँ मैं। ये रेड कलर की है, ये ट्रांसपेरेंट कलर की है एंड ये येलो कलर की है एंड ये 20 रुपीज़ ईच, मतलब 3 का हुआ 60 रुपीज़। ये नेल पॉलिश, नेक्स्ट आइटम है ये 2 लिपस्टिक। यहाँ पे मेबेली करके कुछ लिखा हुआ है एंड यहाँ पे लिखा है एंजल रोज एंड यहाँ पे लिखा है सॉफ्ट लॉन्ग लास्टिंग सॉफ्ट लिपस्टिक। इसका पैकेजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड राइट नाउ मैं यही कलर अपने लिप्स पे लगाई हूँ। एंड इसका फॉर्मूला भी ओके है, लेकिन मुझे पैकेजिंग बहुत ही अच्छा लगा एंड कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड इसका प्राइस है 50 रुपीज़ एंड इसका भी प्राइस है 50 रुपीज़। ये रेड कलर का है एंड ये थोड़ा सा वाइन कलर का है।
मुझे ये दो लिपस्टिक बहुत ही अच्छा लगा। मैं ऑलवेज ब्रांडेड लिपस्टिक ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने लोकल मार्केट से कुछ खरीदा है। मुझे इसका पैकेजिंग एंड लिपस्टिक भी बहुत ही अच्छा लगा। ये मैट है एंड ये थोड़ा सा ग्लॉसी है। कलर में डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये रेड एंड ये थोड़ा सा ब्रिकी कलर है, वाइन कलर। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे दो पाउच लेके आई हूँ, ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा है ये। यहाँ पे चेन की क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है, बहुत ही अच्छा स्पेस है यहाँ पे। ये बड़ा वाला है एंड ये उससे थोड़ा सा छोटा वाला है, एंड ये दोनों मुझे मिला है 100 रुपीज़ पे। ये ट्रैवलिंग पाउच, बहुत ही स्टडी है। एंड नेक्स्ट आइटम है ये पोटली बैग, बहुत ही खूबसूरत सा एक बैग है। यहाँ पे मोतियों का एक हैंडल आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, एंड इसका स्पेस भी बहुत ही अच्छा है, काफी सारा स्पेस है। शादी सीजन में अगर आप ऐसे वाले एक बैग लेके जाएंगे तो बहुत ही यूनिक सा लगेगा। एंड यहाँ पे दो हैंडल है, एंड ऐसे आपको इसको क्लोज करना है एंड ऐसे ही ओपन हो जाएगा। एंड ये पोटली बैग मुझे मिला है 100 रुपीज़ पे। एंड ये बैग मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये पोटली बैग। ये बिल्कुल भी पतला नहीं है, अंदर स्पॉन्ज टाइप का कुछ दिया हुआ है।
यहाँ पे दो कपड़ा है एंड अंदर स्पॉन्ज दिया हुआ है। एंड ये काफी सख्त है। यहाँ पे मैं तीन स्लीपर्स लेके आई हूँ। ये तीन स्लीपर्स मुझे मिल गया है 100 रुपीस पे। एंड इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये तीन स्लीपर्स, एक को मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है। ये कपड़े का है एंड ये फर का है। एंड यहाँ पे अंदर कपड़ा दिया हुआ है। वैरायटीज टाइप का मिलता है, आपको देख के लेना पड़ेगा कौन से आपको पसंद आएगा। तो नेक्स्ट आइटम है ये दो बैग। यहाँ पे मैंने अपना कुछ सामान भर के रखा है। एंड ये दोनों मुझे मिला है 100 रुपीस पे। तो ये खाली है, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी आपको। एंड ये पूरा कपड़ा का है। अंदर इसका जो मटेरियल है ये बहुत खास नहीं है, बहुत आसानी से फट जाता है, लेकिन बाहर का क्वालिटी अच्छा है। एंड यहाँ पे इसका चेन है, चेन भी काफ़ी अच्छा है, ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा है ये। यहाँ पे एक हैंडल आपको मिल जाएगा, लेकिन हैंडल उतना स्टेडी नहीं है। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने इसलिए दो खरीद लिया है। फिर आते हैं ये दो बैग। यहाँ पे मैंने बहुत सारे सामान पैक करके रखा है। मैं जो डेली इस्तेमाल करती हूँ वही सामान है इसमें। यहाँ पे आपको ये एकदम ही बेकार क्वालिटी का है, लेकिन बाहर का कपड़ा बहुत ही अच्छा है। प्लास्टिक का बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए फट जाने का संभावना बहुत ही कम है। चेन भी बहुत ही स्मूथ है। ऑब्वियसली आपको देख के लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम है ये फेशियल वाइप्स। ये अल्कोहल फ्री वाइप्स है एंड उजाना करके कंपनी का है। यहाँ पे 25 वाइप्स है।
ये वेट वाइप्स है एंड ये होल मुझे मिला है 50 रुपीस पे। एंड ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वाइप्स है। एंड ये है फेशियल वाइप्स, एंड इसको मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एंड ये पूरा नया पैकेट है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है एंड अल्कोहल फ्री भी लिखा हुआ है। मैं इसको फिर से लेके आई हूँ। एंड देन ये चार मैं फूड रैपर लेके आई हूँ, एल्यूमिनियम फॉइल है ये। एंड ये चार मुझे मिल गया है 100 रुपीस पे। फिर मैंने यहाँ पे कुछ मग्स खरीदे हैं, इसको कप बोल लो चाहे मग्स बोल लो, बड़ा साइज है इसलिए मग्स ही बोलते हैं इसको। ये टू टाइप्स का मैंने खरीदा है, टू डिजाइन में। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये है कप का सेट, ये है कप्स, बहुत सारे कप्स खरीद ली मैंने, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मग्स टाइप है ये। यहाँ पे मैंने चार कप्स खरीदे हैं, दो मेरे मम्मी पापा के लिए एंड दो मेरे इन लॉज मम्मी पापा के लिए, यानी कि मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा के लिए, दो मेरी मम्मी पापा के लिए एंड दो मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा के लिए। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मग्स है ये, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मग्स है ये। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड ये मिट्टी का बना, बंगाली में इसको चीना माटी बोलते हैं। क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसमें चाय पीने का या कॉफी पीने का या मिल्क पीने का मजा ही कुछ और है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।